आजिठो बीजेपी रो दुई दिनिया परिवर्धित कार्यकारिणी पुरी रे आयोजित कार्यकारिणी को उद्घाटन करिवे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। केन्द्र रे तृतीय थर मोदी सरकार ओ राज्य रे प्रथम थर बीजेपी सरकार गठन परे बसुछे कार्यकारिणी। विशेषकर नुआ सरकार प्रतिश्रुति पूरण नहीं प्रस्तुत हेबो रोडमैप। जन आकांक्षा को केमिति योजनार रूप दिजिव से नहीं विशद आलोचना हेबो। एथिसहित केन्द्र राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजना केमिति लोकों पाखरे पहुंचिव से नहीं प्लान प्रस्तुत हेबो। राज्य सभापति मनमोहन सामल अध्यक्षतार बस्तवा बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, दुई उपमुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल समस्त सदस्य, सांसद, विधायक योगदान करेंगे। क्षेत्रीय प्रभारी सुनील बंसल, राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर सहित प्रभारी लता उसेंडी उपस्थित रहेंगे। ओडिशा बीजेपी 25 वर्ष जनसेवा लक्ष्य नहीं बीजेपी आगू बढ़ुता बेले यार रूपरेख नहीं बैठक में आलोचना हो। पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 25 वर्ष मध्य ओडिशा देशर ग्रोथ इंजिन पलटारी। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन में की एक होगा। बिल्कुल, आप आने वाले 25 साल भाजपा उड़ीसा में है। सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की पहली कार्य समिति है और कार्य समिति हम इस बार पूरी में करने जा रहे हैं। जगन्नाथ जी ने हमें आशीर्वाद दिया है उड़ीसा के सेवा के लिए, उनके आशीर्वाद के बदौलत ही आज हमें भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्यों को सरकार में बैठकर जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। जगन्नाथ जी के सानिध्य में, इसीलिए उनको धन्यवाद देने के लिए हमारी ये कार्य समिति हम इस बार पूरी में करने जा रहे हैं। उड़ीसा के हर घर में पहुंचना, हर जगह पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और उन सारी बातों को लेकर जाएंगे। और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो निश्चित तौर पर उड़ीसा वासी जैसा चाहते वैसा विकास उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। संपर्क में अधिक सूचना पाई रही पुरी प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र रही। प्रदीप्त, केन्द्र रे तृतीय थर मोदी सरकार एवं ओडिशा रे प्रथम थर बीजेपी सरकार पर ये होची प्रथम बीजेपी रो परिवर्धित कार्यकारिणी। सबुठ बड़ कथा होची कि जो प्रतिश्रुति दिया ताको केमती पूरण हबो, जन आकांक्षा केमती पूरण हबो, आगामी 25 वर्ष ने जो रोड मैप प्रस्तुत भाबा जेचे आगामी 25 वर्ष पई तने निहाति बापरि ये बैठक बेस गुरुत्व रखुचि। प्रदीप्त, निहाति नीलिमा, आपण जेमती कहिले ओडिशावासीक आकांक्षा एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक जो विकसित ओडिशा गठन रो जो स्वप्न रही जो लक्ष्य रही सेथिपाई विभिन्न प्रकार कार्यक्रम बीजेपी हाथ को नहीं। ओडिशा रे जेतेबेले 2024 रे प्रथम थर बीजेपी एकाकी संख्यागरिष्ठता हासिल करी सरकार गठन करी परे आज हेउची सरकार गठन परे प्रथम परिवर्धित राज्य कार्यकारिणी बैठक। महाप्रभु श्री जगन्नाथक आशीर्वाद नहीं ओडिया अस्मिता को पाथेय करी सुरक्षा नेबार संकल्प नहीं जेतेबेले बीजेपी सरकार गठन करती पुरी ठारे महाप्रभु पीठ से ही बीजेपी एथर कार्यकारिणी बैठक करुच्ची। कार्यकारिणी बैठक निश्चित भाव आगामी 100 दिन जो रोडमैप बीजेपी प्रस्तुत करती जो कार्यखसड़ा प्रस्तुत करती अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं विशेषकर आम जी आप सूचना दूसरे जे आज बीजेपी ये जो कार्य दुईदिनिया कार्यकारिणी बैठक आरंभ हो सकाल आउ कि पर अर्थात 10:30 रे प्रथमे जो पदाधिकारी मानकर बैठक बसिबो राज्य पदाधिकारी मानकर एवं सेई बैठक शेष हबा परे अपराह्न 2:30 रे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा से ओडिशा गस्तर आसुछन्ति राज्य कार्यकारिणी रे जोगदेबे से ही राज्य कार्यकारिणी को आज उद्घाटन करिवे। एवं विशेषकर जो जहां मु कहिली जे वर्तमान बीजेपी सरकार
जो सब कम गुड़ हाथ को नहीं विशेषकर गरीब महिला कृषक और युवक मान किपर विकास हम से विभिन्न कार्यक्रम बीजेपी हाथ को नहीं से शहेदिनिया रोडमैप रही तेणु सेगुडी किपर भाव सफलतार सहित प्रकृत हिताधिकारी जो मैंने पाखे पहुंचबे बीजेपी सरकार ओडिशा को किपर भाव विकास नवश्चुंबी स्थान में पहुंचे पार से आज विभिन्न स्तर में आलोचना हम जो पदाधिकारी बैठक बस आज कार्यकारिणी को लेकिन खसड़ा प्रस्तुत हे पर कार्यकारिणी बैठक उद्घाटन हाँपर समस्त राज्य पदाधिकारी राज्य कार्यकारिणी सदस्य जिला सभापति जिला साधारण संपादक सहित जो लोकसभा और विधानसभा जिते निर्वाचन समय जो संयोजक मैंने प्रभारी मैंने से बैठक उपस्थित रहिबे सहित तीन जन केन्द्र मंत्री जुएल ओराम एवं केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं अश्विनी वैष्णव से रहिबे ओडिशा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री और दुई उपमुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल समस्त सदस्य बैठक में उपस्थित रहिबे सहित समस्त निर्वाचित विधायक और सांसद मैंने बैठक में उपस्थित रहिबे तेणु समस्त अपेक्षा रही आज बीजेपी तार राजनैतिक चिठा प्रस्ताव में क्यों सब प्रसंग गुड़ी रखुची आगुरु हुए तो बीजेपी विरोध दल से समय किपर भाव शासक दल सहित लड़ाई करा जिबो किपर भाव शासक दल को काउंटर करा जिबो तार रणनीति प्रस्तुत कराला किंतु एबे समय बदली समय बदलवा सहित बीजेपी वर्तमान शासन गादी में रही तेणु किपर भाव ओडिशा को विकास दिगरे आगो को बढ़ाई निया जिबो भित्तिभूमि विकास आरंभ कर मैनिफेस्टो जो देखा निर्वाचन मैनिफेस्टो आज फर दैट बीजेपी सरकार से हिसाब से आगू बढ़ुंट कारण देखो रत्न भंडार प्रसंग हो कि चारिद्वार खोल प्रसंग हो कौटना कौटी तापर सरकार स्टेप नहीं चारिद्वार खोली रत्न भंडार भी देखते काल अस्थायी रत्न भंडार को मत रत्न को स्थानातरित करेणु वन बै वन प्रतिश्रुति पूरण करेणु एवं समस्त नजर रही कि सुभद्रा योजना जहाँ कह प्रधानमंत्री बर्थडे से योजना टी आरंभ तो से नहीं गोटे विस्तृत किसी आलोचना हम कि कारण जेहतु केन्द्र नेतृत्व भी रोचे राज्य नेतृवृंद भी रोचे यहाँ गोटे सबुठ बड़ निर्वाचन इस्तार बड़ प्रसंग रही था निश्चित भाव में आप जो सुभद्रा योजना कथा कहिले सुभद्रा योजना बीजेपी पाई जो गोटे गेम चेंजर साजिता बोली कह पार चौबीस निर्वाचन में कारण बीजेपी तार संकल्प पत्र में प्रतिश्रुति जदि बीजेपी ओडिशा रे सरकार गठन करे तबे प्रत्येक महिला को 50,000 टंका लेखाए जो दुई वर्ष पाई क्याश भाउचर दिया एवं सरकार गठन हेला प्रथम कैबिनेट रे ही जो सुभद्रा योजना पाई जो प्रस्ताव पारित आगामी 100 दिन भीतर सुभद्रा योजना कार्यकारी करा जीवो बोली मध्य से समय रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देथिले एवं जहां आपण कहिले प्रधानमंत्री जन्मदिन अर्थात सेप्टेम्बर 17 तारीख दिन ओडिशा रे सुभद्रा योजना लॉन्च हबो निजे प्रधानमंत्री ओडिशा को आसीबे पाखापाखी 5 लाख महिला को नहीं कि विराट महिला समावेश आयोजित करा जीवो एवं सेही समावेश रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुभद्रा योजना को आरंभ करिबे बोली मुख्यमंत्री सूचना देइछंती तेणु ता विषय रे मध्य आज विस्तृत आलोचना हबो तार जो सुभद्रा योजना को नहीं कि तार जो गाइडलाइन कोन रहिबो तार जो केऊ आधार रे महिला मानु को 50,000 टंका लेखा जो कैश भाउचर समस्त प्रकार आलोचना करा जिवो जन आकांक्षा को केमती पूर्ण करा जिवो एवं प्रतिश्रुति पूर्ण करा जिवो एवं केन्द्र सरकार को जो जन कल्याणकारी योजना रहिछि लोकों पाखरे केमती पहुंचा जाय परबो सेनि मते आलोचना हबार संभावना रहितबा जा आलोचना करा छि प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद रेखलाम प्रतिनिधि प्रदीप महापात्र खबर जारी रहो समय को छोटे ब्रेक जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।